ये यहाँ से हमने लेना है कंडी कटोला रोड के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए। और हम अभी कंडी टॉप पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से ये वाला रोड कटता है प्रासर के लिए, जो ये गाड़ी जा रही है, और प्रासर है यहाँ से 30 किलोमीटर। हेलो हेलो हेलो, कैसा है? हेलो यार, पहाड़ों पे मैगी और ब्रेड, पीछे प्रासर। ये देखिए सागर को गर्मी हो रही है, इसके स्पेशल फैन ने बना दिए फ्राइड राइस, यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस की साइड, कुल्लू साइड को तो पूरा पैक किया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। आप देख रहे हैं यशु रेलू ब्लॉग्स और मैं हूं आपका यशु रेलू। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ प्रासर घूमने। कुछ एक हमारे दोस्त पिछले कल शाम को ही चले गए थे, गुलशन वगैरह, वो मुझे प्रासर में मिलेंगे। तो अभी आज क्या है, टाइम हो चुका है 9 और अभी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं शेड्यूल, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से प्रासर के लिए। तो दिखाते हैं आपको प्रासर का ब्यूटीफुल व्यू, और रास्ते में भी आपको दिखाते हैं कैसी रहती है हमारी जर्नी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और हर बार की तरह जैसे होता ही है, हमारे पास आलसी लोग होते हैं कुछ एक, जैसे ये सोए हुए अभी तक, मतलब संडे भी ऐसे सो के बिताएंगे। मैं इनको सुबह से कल शाम से मैं इनको बोल रहा हूँ चलने के लिए, बट ये सोए हुए हैं। दो बंदे पल्ली साइड सोए, मैं दिखाता हूँ, इसके पास ऑफिस का वाहन है, चलिए मानते हैं। और हमारे पास दूसरा आलसी, ये सबसे बहुत बड़ा आलसी बिरन भाई, और एक बड़े वाला ये भी आलसी बन चुका है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने बाइक के पास, अभी यहां से बाइक उठाएंगे तो हम निकलेंगे सीधा प्रासर की ओर। और आई होप जर्नी अच्छी रहेगी, मौसम अच्छा है। कल वेदर में भी, वेदर फॉरकास्ट में भी देख रहा था कि वेदर के हाल क्या है, वैसे ठीक है। हो सकता है इसके बाद वापसी में थोड़ा सा दिक्कत दे। चलिए अब निकल गए हैं तो देखते हैं कैसा रहेगा। ये रही अपनी धनो, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। कुल्लू से जब भी आप प्रासर की ओर जाते हैं तो आप यहाँ से क्या बजौरा को जाते हैं, बजौरा से वहाँ से एक राइट साइड को रोड कटेगा, कांडी कटोला रोड। कांडी कटोला रोड से हमने जाना है और वहाँ से हमने मंडी वाला रूट पकड़ना है। मंडी वाले रूट से वहाँ से एक नीचे जगह है, मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ से हमने क्या है, वहाँ से एक रोड कटेगा प्रासर के लिए, उस रोड में हमने जाना है। तो चलिए आपके वो रोड मैप भी साथ साथ में दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए ये शुरू रूट ब्लॉग्स के साथ। और यहाँ पे ऑल ब्रेक, रेट कम हो गए, 6-7 रुपये कम हो गए, 8 रुपये बहुत सारे। सो अभी हम बजौरा पहुँच चुके हैं, तो बजौरा से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से, यहाँ से आपने राइट ले लेना है, तो बैक कैमरा कर दिया। सो ये मैन एन एच है, यहाँ से हमने लेना है कंडी कटोला रोड के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए, यहाँ से जाएंगे हम प्रासर रोड। तो अभी यहाँ से लगभग लग सकता है 1 घंटा हमको, 1 या 1.5 घंटा। तो हमने अभी रास्ता लगभग 30% क्रॉस कर लिया है, हम लोग राला पहुँचने वाले हैं। रोड मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे ऐसा उखाड़ा हुआ है, बीच बीच में रोड उखाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो, स्पेस बढ़ाने के लिए या खुला करने के लिए, इसलिए इस रोड की अभी हालत कर दी है। इससे पहले इस रोड की हालत बहुत ही सही थी। तो गाइस टाइम हो गया है 10:10 और हम अभी कांडी टॉप पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है, रोड खुला कर रहे हैं, तभी जाके यहाँ पे इतनी सारी, ये देखिए JCBs वगैरह है, और पीछे रोड तभी उखाड़ा हुआ है, बीच के पैच एक दो जगह उखाड़ा हुआ है रोड, तारकुल वगैरह। और बाकी यहाँ पे हम कांडी टॉप आपको दिखाते हैं, यहाँ एक मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। सो ये है कांडी टॉप, और यहाँ पे ऊपर एक मंदिर है, आते हुए अगर टाइम रहेगा तो दिखते हैं। बाकी ये कांडी टॉप पहुँच चुके हैं। सो यहाँ देखिए गाइस, आग लगा दी है किसी बेवकूफ़ इंसान ने, और परे से कुछ एक लोग हैं जो बुझाने जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे डाइवर्जन है जो प्रासर और मंदिर के लिए, यहाँ से जो आपका लेफ्ट साइड, जब आप कुल्लू से आते हैं तो लेफ्ट साइड के लिए जो रोड कटता है वो जाता है आपका प्रासर के लिए, 23 किलोमीटर है यहाँ से, और सीधा जो जाएगा आगे के लिए ये जाएगा आपका मंडी और IIT कमांड वगैरह यहाँ से आगे के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से कटता है रोड। सो ये रहा, ये मेन NH है जो यहाँ से कांडी कटोला NH, और यहाँ से ये वाला रोड कटता है प्रासर के लिए, जो ये गाड़ी जा रही है,
और प्लासर है यहाँ से 30 किलोमीटर। सो गुलशन का कॉल मुझे आया था अभी, तो वो लोग मैगी मुगी बना रहे हैं, तो ब्रेड मंगाया मुझसे, तो ब्रेड ले जाएंगे, फिर हम पहाड़ों पे खाएंगे मैगी और ब्रेड। चलिए मिलते हैं सीधे आपको गुलशन के पास। सो बाकी मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, बाकी हाँ जगह बनाना है कुछ चॉकलेट और ये जो ब्रेड मंगाया था गुलशन ने, ब्रेड हम ले जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गुलशन वगैरह भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये हमारी बाइक्स लगी हुई है। पिछले कल उन्होंने यहीं पे स्टे किया, ये देखिए यहाँ पे ये IPH का ऑफिस है और इनके जो JEE साहब है वो जान पहचान के निकले और यहीं पे सारा अरेंजमेंट हो गया। सो मिलते हैं उनसे जाके, आई डोंट नो टेंट लगाया या रूम रखे हैं उन्होंने, तो मैं मिलता हूँ उनसे। हेलो 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 हिमांशु, कैसा है? हेलो यस, हमारे साथ यशुरे लू ब्लॉग्स। ओ भाई सीधा तो कर ले, कैसा ब्लॉग रहे तू, ये देख वीडियो बन गई दूसरे में, कैसे यार। हेलो 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 राजन, हेलो सागर, ओ और ब्लॉगर ही ब्लॉगर्स है। और ये हमारे इल्लू प्रोफेशनल कुक। हेलो जी मिस्टर शेफ। हेलो जी कैसे हैं? हेलो गगन, क्या हाल है, क्या बन रहा भाई? आज हम बना रहे हैं मैगी। मैगी तड़के वाली मैगी, तड़के वाली मैगी बन रही है। तो देखिए लगभग 11 बज गए, कितना टाइम हो गया, 11 बज गए और 11 बजे हम पहुंच चुके हैं इनके स्पॉट के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल कैमरा, कैमरे भाई, कैमरे ही कैमरे, ड्रोन भी उड़ाया, तो ड्रोन शॉट मेरे को देगा तुम? हाँ भाई सब कुछ देंगे, ड्रोन शॉट देंगे। तो यहाँ से प्राशर 9-10 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा यहाँ पे मैगी खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सर ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया है, यहाँ पे राजन को बुला रहे, राजन गायब हो गया, आई डोंट नो कहाँ गया। मैगी का इन्होंने फिम्बड़ा बना दिया, ब्रेकफास्ट रेडी, पहाड़ों पे मैगी और ब्रेड, कुक थे हमारे इल्लू। तो मैगी खा के अभी हम फ्री हो चुके हैं और मैगी बहुत ही अच्छी बनाई थी इसने, गगन ने, और मज़ा आ गया ब्रेड के साथ, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो पैकिंग का काम हो गया, अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं और इसके बाद हम सीधे यहाँ से जाएंगे प्राशर को, प्राशर में मिलते हैं आपको। बाकी अभी राजन हो गया खुश, कैसे लग रहा है भाई, कैसा रहा कल रात का तुम्हारा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, टॉयलेट पानी लकड़ी सब कुछ दिया, सब कुछ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की। और तो अभी देखिए यहाँ से चल पड़े हम। और ये देखें यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, टायरिंग यहाँ पे आई थिंक नहीं हुई है। हाय हाय अच्छा लग रहा है गाइस। तो आप देखिए हम ऑलमोस्ट प्राशन पहुँच चुके हैं और ये जो आपका सारा दिख रहा है ये भी प्राशन है, ये प्राशन का जो मंदिर है मैन झील है वो इस साइड को आगे है। तो अभी हम प्राशर पहुंच चुके हैं, अभी बाइक पार्क करके जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू ऊपर जैसे एक टॉप जैसे पॉइंट में जाके। बाकी यहाँ देखिए व्यू ज़बरदस्त है, क्या ही ज़बरदस्त। और आज ब्लॉगर ही ब्लॉगर आशीष शर्मा ब्लॉग्स, यस आशीष शर्मा ब्लॉग्स, सिनेमेटिक सीरीज ऑल्सो इनका चैनल है, बहुत ग्रो कर चुका है। दोस्तों पहुंच गए हम पराशर लेक, 2-3-4 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारे पीछे पराशर। और ये देखिए वाह, तो ये मेरे पीछे राम मंदिर। और अभी थोड़ा बारिश की कमी के कारण मुझे लग रहा है यहाँ पे हरियाली उतनी ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो पूरा एरिया हरा होता है और यहाँ पूरा हरियाली और बहुत ही अच्छा, और लोग यहाँ पे ऐसे इस झील का चक्कर भी लगाते हैं, ये देखिए पूरा। और
यहाँ पे मेला भी होता है, डोंट नो कब, जून जुलाई में होता है एक मेला भी यहाँ पे, दुबते दुबते आते हैं। और आज वैसे तो मौसम बिल्कुल साफ है और ये बादल बिल्कुल प्राशर ऋषि के एकदम टॉप एकदम ऊपर आ गया है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं, ये कुछ बाहर का नज़ारा मंदिर का। और ये देखिए यहाँ पे ये है मंदिर पराशर ऋषि जी का, यहाँ पे अंदर पराशर ऋषि जी अंदर है, बाकी ये पराशर ऋषि का प्रांगण। लीजिए पराशर ऋषि के दर्शन करवाते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं, एक अपना ये देखिए गगन पोल चार्जिंग करने के लिए बैठ गया उधर। और आशीष वीडियो वीडियो बना ली तुमने, ड्रोन शॉट लेने जा रहे हैं। चलते हैं ऊपर टॉप के ऊपर, वहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ का पराशर लेक का व्यू और मंदिर का व्यू। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों अभी देखिए काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अभी गुलशन वगैरह ऊपर पहुँच चुके हैं, कुछ एक साथी हमारे पीछे ही रुक गए और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर के लिए। हाँ सांस फूल रही थोड़ी। और देखिए मंदिर और झील कितना सही लग रहा है। और देखिए हमारे साथ वाले वो गुलशन और सागर ऊपर पहुंच गए, बाकी कुछ लोग जो हमारे साथ ही वो बैठ गए हैं नीचे। हेलमेट इनके पास दे दिया हमें। ओह माय गॉड व्यू देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं पराशर का बहुत ही अच्छा व्यू। और यहाँ से गुलशन ड्रोन उड़ा रहा है, आप इसके ब्लॉग में ड्रोन शॉट भी देख सकते हैं। अगर आप नए गुलशन का ब्लॉग अभी तक नहीं देखा तो आप गुलशन के चैनल पर जाइए और उसका ड्रोन शॉट देखिए। और अभी दिखाते हैं आपको कैसे ड्रोन उड़ाते हैं। ये क्या कर रहे हैं गुलशन भैया आप? कैलिब्रेट। और ये उड़ गया परिंदा। सागर को गर्मी और ये देश के स्पेशल फैन। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहां नहीं। अभी थोड़ा धूप आ गई है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये लग रहा है इस साइड को बादल गरज रहे हैं, कहीं कुल्लू जाते जाते बारिश ना हो। और अगर बारिश हो गई तो हमने कुछ लगाया भी नहीं, जैकेट जुकेट कुछ भी नहीं है, तो हमारी बन जाएगी पिगी बिल्ली। एक डेढ़ घंटा यहाँ ऊपर बैठने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से वापस। और अभी नीचे से हेलमेट उठाना है, गगन पोल नीचे ही था, ऊपर नहीं आया, तो इसके बाद हमने हेलमेट उठाना है और जाना है बाइक के पास। बाइक के बाद हमने सीधे निकलना है, फिर शायद कुल्लू के लिए देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए अब चलते हैं बाइक के पास, फिर उसके बाद बनाते हैं आगे का प्लान। कैसा लगा आपको पराशर की ये वीडियो ये ब्लॉग ज़रूर बताएं। बाकी कुल्लू पहुंच के आपसे विदा लेंगे। तो गाइस अभी लगभग 3 बजने को आया है और हम अभी यहाँ से निकल गए हैं, और हमारे साथ ही निकल चुके हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, आशीष वगैरह आई थिंक पीछे है, बाकी सभी लोग निकल चुके हैं, तो हम भी जा रहे हैं अभी। बाकी मिलते हैं आपको जहाँ पे गुलशन वगैरह ने टेंट लगाया है। सो दोस्तों 4 बज गए हैं, 4 बजे हम पहुंच गए फिर से जहां से हमने शुरू किया था। अभी हम पहुंचे हैं आईपीएच के डिपार्टमेंट, आईपीएच का जो ऑफिस था वहां पे, और वहां पे हमारा टेंट उंट ये गुलशन वगैरह का लगा हुआ अभी तक। और थोड़ा सा लंच करेंगे यहां पे, थोड़ा चिकन चुकन है बचा, उसका लंच करेंगे, लंच क्या ब्रंच ही हो गया इसके बाद। तो उसके बाद निकलेंगे सीधा यहाँ से कुल्लू के लिए। तो चलिए थोड़ी देर करते हैं, बाकी वाइट शर्ट की हालत ख़राब हो गई है, पर मज़ा आया आज, बहुत अच्छा रहा सफ़र। और मौसम हो गया है पूरा ख़राब, देखते हैं क्या रहेगा इसके बाद मौसम, अगर बरसेगा नहीं। ये देखिए काले काले बादल, ये बीच में यहाँ पे खाली है, बाकी इस साइड कुल्लू साइड को तो पूरा पैक किया, तो बाकी देखते हैं क्या रहता है। और ये देखिए पैकिंग हो चुकी है शुरू। यहाँ पे गुलशन गुलशन ठाकुर ब्लॉग्स तो इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे सारा ये जो कूड़ा करकट है सारा क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारे टेंट आ चुके हैं, अगर आपको रेंट पर चाहिए तो उठा देगा टेंट फॉर रेंट।
इसके पास शादी के टेंट से लेकर घूमने के टेंट तक मिलेंगे आपको, फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी तक मिलेगी आपको। गुलशन ठाकुर ब्लॉग्स, पॉल जी हमारे ये बना रहे हैं खाना। ओ भाई इल्लू भाई, हेलो जी। देखिए अभी शक्ल इसकी बिल्कुल काली है और अभी देखना थोड़ी देर में कैसा चमकता है, कैसा चमकेगा। देखते हैं। और ये देखिए गुलशन ने पूरा तो नहीं पर आधा चमका दिया है, चमकाने में मतलब लाइट पुरानी वाली लाइट वापस लाया है। देखिए इल्लू ने बना दिए फ्राइड राइस, यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस। सो देखिए गाइस बारिश शुरू हो गई है और हम लोग लंच कर रहे थे, बट हम लंच सारा हाथ में उठा के ले आए अंदर के लिए। सो बारिश रुकने के बाद मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं और थोड़ी सी ठंड हो गई थी और मेरे को दिया ये जैकेट इल्लू ने, मतलब गगन पॉल ने, जो हमारा क्या इनका कुक था दो दिन से। तो गुलशन कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका प्राश्र टूर का? मज़ा आ गया। ये पसंद मैं सबको देना चाहता हूँ। अच्छा तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे कुल्लू के लिए और बहुत ही अच्छा सफर रहा आज का, बहुत मजे किए हमने। क्यों इल्लू भैया? काफी ज्यादा मजा आया। और अभी हमने अभी खाई बिरयानी कौन सी? चिकन बिरयानी खाई हमने, मेड बाय गगन पॉल। तो बाकी बाइक्स रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधे कुल्लू के लिए। गाइज अभी पहुंच गए हम कांडी टॉप पे। दो हमारे जो साथी है वो पीछे रह गए, ये हमारी लगी है बाइक। टाइम कितना हुआ? टाइम अपडेट आशीष, छः दस हो गया। थोड़ा ठंड का मौसम हो गया है, ठंड हो गया है, ये जैकेट मिल गया गगन का नहीं तो। सो आधे घंटे के ब्रेक के बाद चाय ब्रेक जा रहे हैं, निकल रहे हैं की तरफ। मेरा और सागर का है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम। सफ़र थोड़ा लंबा था बट मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र रहा आज का प्राश्र ऋषि लेक का। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।